जय ना। तो आज के इस ब्लॉग पर हम जाएंगे जहां पत्थर ब्लास्टिंग होता है, जहां से पत्थर निकाला जाता है। तो हम चलते हैं उस खदान की तरफ जहां से पत्थर निकालते हैं। तो चलो आज की वीडियो तो भाई सब किसी तरह से अभी जाएंगे जहां से पत्थर ब्लास्टिंग पत्थर निकाला जाता है, जहां से छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं। पहले तो ब्लास्टिंग किया जाता है, उसके बाद जो है छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने के लिए उसको हाईवा में लोडिंग करके उसको बाहर ले जाया जाता है, जहां प्रेशर होता है वहां ले जाया जाता है। तो चलो अभी चलते हैं जहां पत्थर ब्लास्टिंग होता है उस जगह पर जाएंगे। ऊपर से नीचे का नजारा कैसा रहता है वो आपको दिखाएंगे पहले, उसके बाद नीचे से जाके देखेंगे कि नीचे से ऊपर का नजारा कैसे दिखता है। चलो अभी ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। देखो नीचे का नजारा ऊपर से कैसे दिखता है। लेकिन रियल में जो होता है ना वो ऐसा महसूस करोगे, जो रियल में होगा ऐसे पास में आओगे ना तो ऐसे डर का महसूस होगा कि आप ऐसा लगेगा। तो सो दोस्तों आज यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ था, जो पत्थर टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है, देखिए वहाँ का नजारा आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है। तो हम फटाफट वहाँ चलते हैं क्योंकि हमारे पास लंबा टाइम नहीं है, अगर ज्यादा टाइम रहेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं नीचे पर जहाँ ब्लास्टिंग हुआ था, जो पत्थर दिख रहा है, तो अब चलते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। तो चलो दोस्तों फटाफट हम लोग अब नीचे देख सकते हैं, धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं और इसके बाद देख सकते हो बहुत नीचे चले जाएंगे। फिर आप लोगों को पता चलेगा कितना गड्ढा है यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है। और ब्लास्ट करने पर भाई साहब इतना भूमि का कंपन पूछो मत, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ ऐसा लगता है। और जब ब्लास्ट करते हैं तो यहाँ से जो भी मतलब कैसा मतलब पहुंचे आधा बीच में, देखिए तो मेन रोड जाने का जो हम आधा बीच में पहुंच गए हैं, लगभग नीचे में पूरा नहीं पहुंचा था। आप देखा जाए यहां से लेवल का तो ऊपर का देखोगे तो लेवल यहां से ऊपर पहुंच गया, लेकिन आपको और नीचे लेकर जाएंगे जल्दी जल्दी में। देखिए देख सकते हो कितना छोटा लग रहा है एकदम चींटी के मार्के। और इसका कारण यही है कि पहाड़ बहुत बड़ा है, देख लो इतना बड़ा कि आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो बंदा कहाँ गया। ठीक है तो मैं भी जल्दी चलता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तो फिर पापा यहाँ मिलेगा, तो चलिए मैं भी जल्दी चलता हूँ। ठीक है पापा मैं किस्मत अपना चप्पू लिया कि मैंने कुछ मिल गया, चलो खतरा लेके हो यार, खतरा है भाई साहब इस पर देख लो कितना बड़ा है। अगर यहाँ का जो पत्थर गलती से गिर गया तो हम लोग तो काम से ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ रिक्सी है भाई आना बहुत बड़ा रिक्सी का काम मामला है, तो लोग आता तो क्या करना। सो गाइस देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आते तक हम लोग सर्टिफिकेट नहीं लिए, देखिए इस वीडियो को आप लोग ऐसा कहीं मत जाना। देखिए गाइस सो ऊपर से नीचे आते तक हम लोग कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं लिया, पैर में चप्पल लो सिर में हेलमेट कुछ भी नहीं लिया। तो मैं देखिए मैं ब्लॉगिंग करके मतलब इतना इंटरेस्टिंग के साथ आया हूँ कि आप लोग को दिखाना है, मतलब दिखाना है नीचे से ऊपर का नजरिया कैसा दिखता है। तो देखिए इधर का नजरिया देखोगे एक भी पत्थर गिर जाए हम लोग जान का भी खतरा रहता है, जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। एक पत्थर ऐसा बड़ा रहता है और मुकेले मुकेले धार रहता है, इसे कि पहुंच भी नहीं सकते। मार्केट में चलने में काम करना, क्योंकि मैं बिना
बिना चप्पल के चल रहा हूं मैं, नंगा पैर हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लंबा वीडियो होगा इसलिए आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो रियल में है, रियल वीडियो की माटिया निकल है। उनका जवाब आता है पानी छोड़ो, दिखाओ ना देखो पानी कहां जा रहा है, पता नहीं जहां आप लोग बोल खाते हो टीवी खाते हो तो यही पानी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, बता दें। सो गाइस आपको पानी दिखाएंगे जल्दी जल्दी निकल आओ। पानी जो ट्यूबवेल के लिए यूज करते हैं बोरिंग के लिए यूज करते हैं उस पत्थर के नीचे रहता है। हां पानी जो ट्यूबवेल के लिए यूज करते हैं जो पीने के लिए यूज करते हैं जहां हम गांव तरफ बोरिंग से निकालते हैं वहां का पानी देखो जो करो भाई वहां का रुकते हैं शीट स्टार्ट। सो गाइस हम थोड़ा पास निकलते हैं क्योंकि पानी का स्रोत जो है कहां से आ रहा है उसको आपको दिखाते हैं, वो कहीं ऊपर से नहीं आ रहा है, कहीं नाली का नहीं है, जो जमीन के अंदर रहता है जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं वो पानी एकदम साफ सुथरा है, तो आपको दिखाएंगे पानी का स्रोत एकदम ध्यान से, वो साफ सुथरा पानी है। चलो हम लोग इतना ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते क्योंकि यहां जान का भी खतरा है, ऊपर कैसा दिखाई नजारा, अगर वहां से एक भी पत्थर टुकड़ा नीचे गिर जाता है तो हमारे जान का खतरा, क्योंकि हम लोग हेलमेट भी और चप्पल पैर में शूज भी नहीं लगाए, कोई सेफ्टी यूज नहीं की, तो सो गाइस हम फट से जाके फट जाते हैं। लाइक लाइक जल्दी, सो गाइस हम लोग जान का इतना इतना रिस्क उठा पानी का स्रोत जो है वो हमेशा से जब से ब्लास्टिंग हुआ यहाँ इतना गहराई हुआ है, तो यहाँ से पानी बहते जा रहा है बहते जा रहा है, यहाँ का पानी रुकने का नाम नहीं होता क्योंकि ये पानी है जमीन के अंदर जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। सो गाइस देख सकते हो ये जो ये बहुत पत्थर चुका है, देख सकते हो कितना बड़ा खतरा है, आप लोगों को यकीन होता वहाँ से कितना गहरा है, पता चला देखो कितना ऊपर है, देखो देखो इतना ऊपर है हम लोग आए हुए हैं, और देख सकते हो ये जो पत्थर दिख रहा है पता नहीं क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कभी भी गिर सकता है ऐसा कुछ है, ठीक है ऐसा कुछ सीन है, तो हम लोग जो मतलब समझ लो खतरे पर आए हुए हैं, और ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग कभी भी ऐसा मतलब जाना मत, ठीक है आप लोग ऐसा कभी भी अगर मिलना तो आप लोग से पूछे, हम लोग सभी जानकारी लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग ऐसा सही बजाना यहाँ पर हल्का कुछ हुआ तो खतरा समझ जाओ, पता तो आप लोग समझ सकते हो क्या मैं क्या होगा, ठीक है। अगर सबसे मेन ये है कि देखो जो आप लोग ट्यूबवेल कराते हो या बोर कराते हो या बोर कराते हो तो जो पानी निकलता है तो पत्थर के नीचे निकलता है, तो वो स्रोत जो यहाँ पर जो बम ब्लास्ट किया गया है जो बादल लगाकर फोड़ा गया है तो उसको यहाँ स्रोत मिला है, ठीक है। अगर ये मतलब डेली का डेली चलता रहता है, डेली मतलब ये बनने का नाम नहीं रहता, ये पत्थर के नीचे जो स्रोत है वहाँ से आप लोग देखने को मिल रहा है, अभी देख सकते हैं कुछ प्रकार से आप लोग देखने को मिल रहा है, मतलब एक बोर के मुकाबले मतलब यहाँ पर पानी आ रहा है, ठीक है गाइस, जो हमने दिखाया था कि ये तो ये फूटा हुआ है करके, तो हम लोग यहाँ पर आ चुका है जिसको आज सवेरे ही इसको मतलब तोड़ा गया है, मतलब बादल लगाया था पत्थर तक गया, और इसका जो मतलब एक प्रकार से भूकंप जैसे हो गया वो कंपन हो गया धरती पे, और धरती पे बोला जाए तो आसपास के एरिया में, और इतना मतलब खतरनाक बादल था समझ लो, ठीक है गाइस। और गाइस देख सकते हो ये भी पानी का स्रोत ही है, देख सकते हो ये जो पत्थरों से निकल रहा है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, और इसी प्रकार से जो बोर का स्रोत है वो रहता है, देख सकते हो ऐसा कुछ पानी यहाँ से निकल रहा है, हल्का निकल रहा है, पछल रहा है, इसको बोलते पछल रहा है, तो ये कुछ सीन है जो कि आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो देख लो, इसको लाइक करना शेयर करना है, जितना हो सके शेयर कर देना भाई साहब, मैं बहुत ही गाइस शायद अगर आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो लेकिन यहाँ पर देखो, मैं मुझे लगा कि मैं कुछ गलत जगह पे आ गया भाई साहब, देख रहे हो पूरा धरती तक गया है भाई साहब, धरती पत्थर का पत्थर तक गया, देख रहे हो ऐसा कुछ सीन है, मैंने सोचा नहीं था कि कुछ इस प्रकार सीन होगा, यही नहीं देखो भाई यहाँ पर भी तक गया, देखो धरती धरती पर पत्थर तक गया है बालू के वो करने से, देख लो कुछ इस प्रकार से सीन है, और मैंने ऐसा भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ सीन उसको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हो इसको आज तोड़ा गया है, ये वाला जो देख रहे हो इसको आज तोड़ा गया है, और इसको बहुत पहले तोड़ा गया था, ठीक है, इसको पिछले बार तोड़ा गया था, इसको आज तोड़ा गया है, ठीक है। ये कुछ सीन है, और ये जो देख रहे हो ये पानी देख रहे हो जहाँ से पानी आ रहा है, ये जो पानी पिया जा रहा है, तो इसलिए पानी कहाँ जा रहा है मैं आपको बता दूँ, ये जो पानी मैंने वहाँ पर आप लोग झरना दिखा था जो कि बोलने वाला एक झरना था, जो खाते हो ना जो पत्थर नीचे से बहुत पानी निकल रहा है वो वाला है, और उसके वही पानी को यहाँ से मतलब लिया जा रहा है, बाहर ऊपर जाया जा रहा है, देख सकते हो, तो काफी अच्छी बात है, देख सकते हो यहाँ पानी भी निकल रहा है, पानी को यहाँ से मतलब कुछ काम के लिए लिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो आज का वीडियो यही तक था, आई होप आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो, तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया बहुत ही मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा है समझ लो, तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना वीडियो।